अभी हम आ गए हैं कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर में। यहाँ पर मिलती है 90 रुपए में गुजराती थाली अनलिमिटेड और 120 रुपए में पंजाबी थाली। गाइज यहाँ का वीडियो, ये थाली सबसे पहले 79 रुपीज में जब ये यूट्यूब चैनल फूडी सैंड ने बनाया था। तो चलिए देखते हैं सब कुछ पहले जैसा है या नहीं। तो गाइज वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। हर बंदा आए और आने के बाद यहाँ से अपनी एक प्लेट डाले। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनियन काट के रख दीजिए और साथ में नींबू भी है। और आगे चलते हैं, आप देखेंगे हम इसके अंदर और क्या है। गाइस 79 रुपीज पहले इसका प्राइस था, अभी इसका 89 हो गया, 10 रुपए प्राइस पीछे बढ़ चुका है। और उसके बाद यहाँ सब्जी में आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेव टमाटे की सब्जी है और यहाँ पर ये मीठी दाल है, ये इसके अंदर राइस से वगैरह गया है। उसके बाद ये 79 रुपीज के अंदर है। और गाइस ये सादी दाल है। और इसके बाद ये सब्जी जो आएगी वो आलू और मटर की सब्जी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से रिच करके बनाई गई है। और इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। और गाइस ये आ गई है वाल की सब्जी, आलू मटर जिसे कहते हैं। और इसके बाद हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर दो प्राइस है सब्जियों का, पूरी थाली का। और अब ये आ गई है गाइस, ये पनीर की सब्जी है, 120 रुपए प्राइस है पनीर की सब्जी की प्लेट में। और पनीर एक बार मिलेगा, बाकी के जो 90 रुपए की प्राइस की थाली है उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूड है। पापड़ और छाछ आपको एक बार मिलेगा, बाकी के गुजराती थाली की जितनी भी सारी वस्तुएं वो सारी की सारी अनलिमिटेड मिलेंगी आपको। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसकी गई है, गुजराती थाली है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छाछ रख कर भर दी गई है। और गाइस अब देखिए ये आया इतना बड़ा भगोना, ये चावल यहाँ पर रेडी हो गया है, बिल्कुल वाइट राइस है यहाँ पर, ये साथ में फिक्स थाली के दिया जाता है। तो गाइस देखिए ये यहाँ पर आटे के पेड़े बनने स्टार्ट हो गए, यहाँ से पेड़े रेडी हो रहे हैं और भैया इसे गोल गोल करके इसे ये हाथ से गोल बनाकर इसमें रखे जा रहे हैं। और इसके बाद आप देखिए ये आटा यहाँ से रेडी होकर कहाँ जाएगा, रोटी यहाँ सेकने को तैयार है। गाइस आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा कि रोटियां जो है वो तवे पर सिकती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये गाइस यहाँ तवे की तरीके से बड़ा सगड़ा लगाया गया और उसके बाद बारी बारी यहाँ पर रोटियां वहां से बेली जा रही हैं। उसके बाद एक बार पलटने के बाद यहाँ पर रोटी आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी तैयार। आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक जो है वो 90 रुपीज थाली और उसके बाद 120 रुपए वाली थाली, गांधीनगर के लोग जो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल या फिर लेबर जो यहाँ पर काम करते हैं वो यहाँ पर रोजाना इस तरीके से खाने के लिए आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हर तरह की पब्लिक आपको मिल जाएगी गाइस, खाना यहाँ पर रेगुलर है, सस्ता है और गुजराती और पंजाबी थाली दोनों है यहाँ पर। और पूरे गुजरात के अंदर आपको गाइस इस तरीके की थाली बहुत कम देखने को मिल सकती है और यहाँ पर इस चीज के लिए अवेलेबल हर सुविधा है। यहाँ पर गाइस हर चीज अनलिमिटेड है, छाछ पापड़ ये आपको एक बार मिलेगा, उसके बाद सारी चीजें आपको अनलिमिटेड है। गाइस जितनी बार आप मांगने को या लेने आएंगे उतनी बार आपको हर चीज हर यहाँ पर खाने की चीजें आपको मिल जाएंगी। गाइस हमारी थाली जो है वो रेडी हो गई है, 120 रुपए इसका प्राइस है। इसके अंदर आपको एक बार छाछ मिलेगा और पंजाबी के अंदर भी आपको पनीर की सब्जी मिलेगी, ये वन टाइम है। और उसके साथ में आपको पापड़ वन टाइम मिलेगा, पापड़ आप देख सकते हैं ये वन टाइम आपको मिलेगा। उसके बाद ये सलाद से लेकर और घी की रोटी, इसके अंदर देसी घी लगाया गया है और ये आपको अनलिमिटेड जितनी चाहिए उतनी रोटी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए गाइस चावल आपको जीरा राइस जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, बस खाना वेस्ट ना करें। दाल यहाँ पर है, एक नॉर्मल सादी दाल है और दूसरी गुजराती मीठी दाल जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद ये आया उसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं सेव टमाटे का साग है। और उसके बाद ये आलू और मटर की सब्जी आ गई। और गाइस ये आ गई है वाल की सब्जी। तो गाइस आपको यहाँ पर तकरीबन दो प्रकार की दाल रोज मिलेगी और सब्जी चार तरह की मिलेगी जो आपको 120 रुपए प्राइस के अंदर मिलेगी। 90 रुपए के प्राइस के अंदर गाइस तीन सब्जी तो मिलने वाली है। पंजाबी से पनीर की सब्जी आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अनलिमिटेड। और अगर 120 रुपए वाली थाली आप लेते हो तो आपको गुजराती की जितनी चीज़ चाहिए पंजाबी के साथ वो सब आपको अनलिमिटेड मिलेगी। बस ये है, इतनी सारी चीज़ अगर गाइस मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
जैसे कि मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ी थोड़ी लूँ, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी बार लोगे उतनी बार आपको देंगे, तो थोड़ा थोड़ा लेकर खाने में ज़्यादा बेहतर है एक साथ लेकर, और खाना वेस्ट करने में सबका नुकसान। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी नेक्स्ट और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें।